दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पास है सैमसंग गैलेक्सी F55 5G मोबाइल और दोस्तों आप इसमें जाते हो किसी भी पर्सनल ऐप को हाइड करना होम स्क्रीन से, तो दोस्तों आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन का, तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप्स स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जितनी एप्लीकेशन है सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है वो एप्लीकेशन लेना है। दोस्तों यहाँ से हमको जो है व्हाट्सअप हाइड करना है, तो व्हाट्सअप पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आपको डन का ऑप्शन आएगा, डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपके व्हाट्सअप जो है हाइड हो जाएंगे, आपके होम स्क्रीन पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात व्हाट्सअप को हाइड करने की। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो व्हाट्सअप को चलाना या फिर से अनहाइड करना, तो आपको जाना है फिर से मोबाइल की सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फिर से हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप्स स्क्रीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके हाइड व्हाट्सअप आ जाएंगे, यहाँ से आप चला पाओगे। अगर दोस्तों आपको इसको फिर से अनहाइड करना, तो ऊपर यहाँ पे माइनस रेड कलर में रहेगा, छोटा सा दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी सारी एप्लीकेशन फिर से अनहाइड हो जाएंगे, फिर से आपके होम स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी F55 5G मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।